नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। दोस्तों, जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे परमानेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज सबके लिए बहुत शानदार न्यूज़ अपडेट जारी कर दी गई है। और ये सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि एक राज्य में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स परमानेंट हो जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एक नया कैडर जारी कर दिया गया, वो भी रेगुलर। इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को जो है रेगुलर कैडर में शामिल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात कही है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसा आप सबको पता दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आप सबके लिए नर्सिंग की सारी अपडेट बताई जाती हैं, और उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स या फिर NHM के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जितने वर्क एंड फंक्शंस हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं, और आप अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं अपडेट आप सबके लिए बताने वाला हूँ, वो बहुत ही शानदार है, और इसे सुनकर जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं या फिर जो चाहते हैं कि इस जॉब का फ्यूचर क्या होगा, तो वो जरूर देखेंगे इस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही शानदार अपडेट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया है। जैसा आप सब लोगों को पता है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको जो है दे रखी है, यानी कि क्या क्या कैडर हैं और कौन से स्टेट में क्या कंडीशन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, कितनी कितनी सैलरी दी जा रही है और क्या क्या जो है वर्क किस तरीके से लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आगे के क्रम में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो स्टेट में या फिर गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो अभी दोस्तों उनके द्वारा जो है एक शानदार तरीके से हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को जूनियर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाने लग गया है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो बेसिक नीडें होती हैं दोस्तों एक पेशेंट की, उनको कंप्लीट करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं, पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, और वहाँ पे उनको इतनी शानदार सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है, और आगे जो बात कही है वो मैं आपको बताऊँगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, यहाँ पर जो है बात कही गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर NHM के जो भी रोली सिंह हैं उनके द्वारा, तो क्या है इस नोटिस में, वो बहुत शानदार अपडेट है आप सबके लिए। देखिए, इसमें सारी जानकारी मैं आपको सिक्वेंस से बताने वाला हूँ, ठीक है। और डेट 29 अगस्त 2022 को ही जो है लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, आर यू श्योर अवेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कमिटेड टू अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। जो हेल्थ सिस्टम के जो टारगेट थे उनको अचीव धीरे धीरे कर रहा है, और वो ए मेजर स्टेप इन डायरेक्शन इन स्टेबलाइज ऑफ आयुष्मान भारत। तो इसमें जो मेजर जो आपकी डायरेक्शन है, स्टेप है, मेजर स्टेप वो माना गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आप सबको पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड होते हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर उससे बहुत मजबूत हो रही है, विद द कंसर्न एंड कोलाबरेटिव एफर्ट ऑफ द स्टेट UTS, वी हैव बीन एबल टू ऑपरेशनलाइज इस तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है कंट्री में, यानी कि पूरे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कितने अच्छे तरीके से जो है इम्प्रूव किया जा रहा है। तो उसी के तहत यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बदौलत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किया जा रहा है, और उससे ही जो है हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूव देखने को मिला है। तो यही बात की गई है यहाँ पे कि जो आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लॉन्च किए गए थे उससे कितना जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। नंबर दो पर देखिए आप, द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है, एज सब सेंटर या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, इज ए क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म ब्रिजिंग द गैप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। एज सून July 2022 से टोटल ऑफ, यानी कि 94308 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, यानी कि 94308 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आर वर्किंग एज WCPA, यानी कि 94308 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो फैसला लिया गया है इनके द्वारा, यहाँ पे देखिए, मैनी स्टेट्स हैव डिसाइड टू मेक द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एट SHC और SWC एज एंट्री लेवल रेगुलर पोस्ट इन नर्सिंग कैडर। जो नर्सिंग कैडर दोस्तों, नर्सिंग कैडर जो आपका बना हुआ है उसमें CHO को शामिल अभी तक नहीं किया गया था।
जैसा राजस्थान के द्वारा बताया गया था वो मैंने आपको बता दिया, कैडर में शामिल किया गया है। तो उसी के तहत जो रेगुलर कैडर, कैडर भी दो होते हैं, एक जो है कॉन्ट्रेक्चुअल होता है और एक होता है रेगुलर। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि रेगुलर कैडर में जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है, नर्सिंग कैडर में शामिल किया जाएगा, ठीक है। वेयर इन ए नर्स ज्वाइनिंग, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वेयर इन ए नर्स ज्वाइनिंग द हेल्थ सिस्टम हैज सर्व टू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ ईयर बिफोर मूविंग अप टू द PSC, CSC, DHS, DH लेवल एंड ट्रीटेड CHO पोस्टिंग एज फर्स्ट स्टेप टू कैरियर ऑफ नर्सिंग कैडर, ठीक है। तो जिस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फ्यूचर के बारे में जो मैंने वीडियो आपको बताई थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किस किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होते हैं और वो किस तरीके से PSC तक पहुँच जाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है। तो उसी तरीके से को यहाँ पे जो बताया गया है इनके द्वारा PSC CSC पे किस तरीके से वर्क करेंगे, मूविंग ऑन होंगे, ठीक है। और आगे जो बात कही है, तो दोस्तों ये जो है रेगुलर कैडर में शामिल हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बस अभी जो है ये जो है अपील किया है और ये अपील 100% ही जो है मानी जाएगी। और आगे जो फोन नंबर देख पा रहे हैं, इट इज़ सजेस्ट टू ऑल स्टेट UTIs मैनी कंसिडर टू क्रिएट सच रेगुलर पोस्ट। तो ये बताया गया है कि सुझाव दिया गया है कि सभी स्टेटों में जो रेगुलर पोस्ट SHE और SWC लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इन नर्सिंग कैडर, तो नर्सिंग कैडर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे जो है अपील का सुझाव दिया है। एनी टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सटेंड फॉर द सेम, ठीक है। द क्वेरी इन दिस रिगार्ड मे बी सेंड टू एडवाइजर HRH NHSRC एट monagupta@outlook.com। तो दोस्तों जैसा आप सबने समझा है अच्छे तरीके से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ठीक है, जो रोली सिंह हैं उनके साइन भी आप देख सकते हैं ऑफिशियली, तो इनके द्वारा जो है अपील जारी की गई है। और दोस्तों आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो है हेल्थ सिस्टम की कड़ी को कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर, आप लोग भी अंदाज़ा लगाएंगे जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पद पर काम कर रहे हैं वो क्या काम करते हैं। दोस्तों डॉक्टर्स की तरह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है उन लोगों को जो लोग ना तो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं और पैसों की वजह से ना वो इधर उधर प्राइवेट भी दिखा सकते हैं, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें जो प्रोवाइड करवा रहे हैं बगैर पैसों के और आसानी से। तो दोस्तों इस चीज़ को कितना बेनिफिट, इस चीज़ से कितना बेनिफिट जो है हेल्थ सिस्टम को मिल रहा है, तो दोस्तों परमानेंट क्यों नहीं किया जाएगा। तो आगे का जो फ्यूचर रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, वो बड़ा ही शानदार रहने वाला है। जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं वर्किंग हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत शानदार अपडेट है। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो जल्दी हम आपके लिए बता देंगे, ठीक है। अभी तक ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताते आया हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में, आगे भी बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी अपडेट आप सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताई जाती हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज़ तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है परमानेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।